हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप सभी को टॉप 5 बेस्ट 5G फोन अंडर 25,000 रुपीज बताऊंगा। और जितने भी फोन बता रहा हूं दोस्तों, बहुत ही बढ़िया आपको देखने को मिल जाएगा। दोस्तों इसमें आपको सुपर एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिल जाएगी, एक गेमिंग प्रोसेसर देखने को मिल जाएगा और 108 मेगापिक्सल का आपको रियर कैमरा देखने को मिल जाएगा, जिसमें आपको वाईएस देखने को मिल जाएगा। इसके रियर कैमरे से आप 4K तक की वीडियो भी शूट कर पाएंगे। उसी के साथ में आपको 5000 एमएएच तक की एक बिग बैटरी देखने को मिल जाएगी और 67 वाट तक आपको फास्ट चार्जिंग देखने को मिल जाएगा। इस प्राइस पे सारे फोन आपको बहुत ही बढ़िया देखने को मिल जाएंगे। और दोस्तों अगर इन फोन को आप परचेस करना चाहते हैं, इन सारे फोन की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहां से भी जाके परचेस कर सकते हैं। और अगर आप जानना चाहते हैं कि अंडर 20,000 रुपीज, अंडर 10,000 रुपीज या अंडर 20,000 रुपीज में कौन से बेस्ट फोन देखने को मिल जाते हैं, तो उसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया है। आपको यहां पे आई बटन में लिंक मिल जाएगी, आप वहां से भी उन सारी वीडियोस को देख सकते हैं। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं, जानते हैं कि कौन से टॉप 5 बेस्ट फोन है जो आज की इस लिस्ट में आते हैं। तो अब बात करते हैं दोस्तों आज की लिस्ट में जो पांचवें नंबर पे फोन आता है, आपको आइको की तरफ से देखने को मिल जाता है। ये भी आपको बहुत ही बढ़िया फोन देखने को मिलता है, क्योंकि दोस्तों इसमें जो प्रोसेसर देखने को मिलता है बहुत ही बढ़िया देखने को मिलता है, जो डिस्प्ले देखने को मिलती है वो भी आपको बहुत ही बढ़िया देखने को मिल जाती है, और जो कैमरा देखने को मिलता है दोस्तों वो भी आपको बहुत ही बढ़िया देखने को मिलता है। और फोन है आइको Z6 Pro 5G। अब इसके स्पेसिफिकेशन की बात करें, इसमें आपको 6.44 इंच की फुल HD प्लस 90Hz रिफ्रेश रेट वाली AMOLED HDR10 प्लस सर्टिफाइड डिस्प्ले देखने को मिल जाती है, जिसमें आपको पांडा ग्लास का प्रोटेक्शन, स्नैपड्रैगन 778 5G प्रोसेसर, फ्रंट 12 बेस्ड ऑन एंड्रॉइड 12 ऑपरेटिंग सिस्टम, कोरियो 670 CPU, Adreno 642L GPU, 4700 mAh की बैटरी, 66 वाट फास्ट चार्जिंग, 64 मेगापिक्सल ट्रिपल रियर कैमरा, 16 मेगापिक्सल सेल्फी। और इसके रियर कैमरे से आप 4K वीडियो शूट कर सकते हैं, और इसके रियर कैमरे में आपको EIS भी देखने को मिल जाता है, और फ्रंट कैमरे से आप 1080p पे 30fps की वीडियो शूट कर पाएंगे। और सिक्योरिटी के लिए इसमें आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर प्लस फेस अनलॉक जैसे सिक्योरिटी सिस्टम मिल जाते हैं। उसी के साथ में इसमें टाइप सी 3.5mm ऑडियो जैक, लेकिन उसमें इसमें आपको SD कार्ड स्लॉट देखने को नहीं मिलता है। प्राइस की बात करें तो आपको 6GB 128GB स्टोरेज वाला जो वेरिएंट है आपको 23,999 रुपीज में देखने को मिल जाता है। तो बात करते हैं दोस्तों इस स्मार्टफोन के प्रोज एंड कॉन्स की, इसमें आपको जो डिस्प्ले देखने को मिलती है बहुत ही बढ़िया देखने को मिलती है, जो प्रोसेसर देखने को मिलता है दोस्तों आपको बहुत ही बढ़िया प्रोसेसर देखने को मिल जाता है। उसी के साथ में जो कैमरा देखने को मिलता है दोस्तों, उसमें आप 4K तक की वीडियो शूट कर सकते हैं, और इसके लिए कैमरे में आपको YS देखने को तो नहीं मिलता है, लेकिन आपको EIS देखने को मिल जाता है। और उसी के साथ में दोस्तों इसमें आपको एक बिग बैटरी देखने को मिल जाती है, जिसके साथ में आपको 66 वाट का फास्ट चार्जिंग देखने को मिलता है, यहाँ पर बहुत ही बढ़िया देखने को मिल जाता है। इसमें आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर भी देखने को मिल जाता है। वैसे तो दोस्तों इसमें आपको कोई भी ऐसा मेजर कॉन देखने को नहीं मिलता है, लेकिन दोस्तों इसमें आपको SD कार्ड का स्लॉट देखने को नहीं मिलता है, बस ये एक छोटा सा मेजर कॉन देखने को मिलता है। ओवरऑल दोस्तों इस प्राइस रेंज पे भी आपको बहुत ही बढ़िया स्मार्टफोन देखने को मिल जाता है आइको की तरफ से। तो बात करते हैं दोस्तों आज के लिस्ट में जो चौथे नंबर पर फोन आता है, अगर इस प्राइस रेंज पे आप एक बेस्ट सैमसंग का फोन लेना चाहते हैं तब आप इसको ले सकते हैं। दोस्तों इसमें जो डिस्प्ले देखने को मिलती है बहुत ही बढ़िया देखने को मिलती है, और जो प्रोसेसर देखने को मिलता है दोस्तों आपको फ्लैगशिप लेवल वाला प्रोसेसर इस प्राइस रेंज पे देखने को मिल जाता है दोस्तों। और जो कैमरा देखने को मिलता है वो भी आपको बहुत ही बढ़िया देखने को मिलता है, और ये फोन है सैमसंग गैलेक्सी A33 5G। अब इसके स्पेसिफिकेशन की बात करें, इसमें 6.4 इंच की फुल HD प्लस 90Hz रिफ्रेश रेट वाली सुपर एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिल जाती है, जिसमें आपको कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन, Exynos 1280 5G प्रोसेसर, UI 4.1 बेस्ड ऑन एंड्रॉइड 12 ऑपरेटिंग सिस्टम, Cortex A55 सी माली G68MC 4 GPU, 5000 mAh की एक बिग बैटरी, 25 वाट फास्ट चार्जिंग, 48 मेगापिक्सल क्वाड कैमरा सेटअप और 13 मेगापिक्सल सेल्फी। और इसके रियर और फ्रंट कैमरे से आप 4K वीडियो 30fps तक शूट कर पाएंगे, और इसके रियर कैमरे में आपको YS भी देखने को मिल जाता है, और सिक्योरिटी के लिए इसमें आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर प्लस फेस अनलॉक जैसे सिक्योरिटी सिस्टम भी मिल जाते हैं। और उसी साथ में दोस्तों इसमें आपको टाइप सी, डुअल स्टीरियो स्पीकर, हाइब्रिड सिम स्लॉट और वाटर एंड डस्ट रेजिस्टेंस, जिसमें आपको IP67 की रेटिंग भी देखने को मिल जाती है। प्राइस की बात करें तो आपको 6GB 128GB स्टोरेज वाला जो वेरिएंट है आपको 24,200 रुपीज में देखने को मिल जाता है। तो अब बात करते हैं दोस्तों इस स्मार्टफोन के प्रोज एंड कॉन्स की, इसमें आपको जो डिस्प्ले देखने को मिलती है आपको सुपर एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलती है हाई रिफ्रेश रेट के साथ में, जब डिस्प्ले आपको बहुत ही बढ़िया देखने को मिल जाती है। लेकिन दोस्तों जो प्रोसेसर देखने को मिलता है आपको Exynos का 1280 5G प्रोसेसर देखने को मिलता है, जो कि 5nm टेक्नोलॉजी स्ट्रक्चर पर बेस्ड है दोस्तों। तो प्रोसेसर आपको बहुत ही बढ़िया देखने को मिलता है। रियर कैमरा देखने को मिलता है दोस्तों, वो भी आपको क्वाड कैमरा देखने को मिलता है, जो कि बहुत ही बढ़िया देखने को मिल जाता है। और इसके रियर फ्रंट कैमरे से आप 4K तक की वीडियो भी शूट कर पाएंगे। लेकिन दोस्तों इसमें आपको दो मेजर कॉन देखने को मिल जाते हैं। सबसे पहला मेजर कॉन है दोस्तों कि इसमें आपको 25 वाट का ही फास्ट चार्जिंग देखने को मिलता है, और इसमें आपको 13 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा देखने को मिलता है, बस ये दो मेजर कॉन देखने को मिल जाते हैं। ओवरऑल दोस्तों इसमें आपको डुअल स्टीरियो स्पीकर देखने को मिल जाता है, वाटर एंड डस्ट रेजिस्टेंस देखने को मिलता है। इस प्राइस रेंज पे पहला ऐसा फोन है दोस्तों जिसमें आपको वाटर रेजिस्टेंस देखने को मिल जाता है IP67 की रेटिंग के साथ में, तो बहुत ही बढ़िया भी फोन आपको सैमसंग की तरफ से देखने को मिल जाता है इस प्राइस रेंज पे। आज के इसमें जो तीसरे नंबर पे फोन आता है आपको Xiaomi की तरफ से देखने को मिलता है, और ये भी आपको बहुत ही बढ़िया फोन देखने को मिल जाता है, चाहे इसकी डिस्प्ले की बात करें, चाहे फास्ट चार्जिंग की बात करें, चाहे कैमरे की बात करें, चाहे प्रोसेसर की बात करें, सब कुछ बहुत ही बढ़िया देखने को मिलता है, और यह Xiaomi 11i 5G। अब इसके स्पेसिफिकेशन की बात करें, इसमें आपको 6.67 इंच की फुल HD प्लस 120Hz रिफ्रेश रेट वाली HDR10 सर्टिफाइड डिस्प्ले देखने को मिल जाती है, जिसमें आपको कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन,
MediaTek Dimensity 925G प्रोसेसर, MIUI 12.5 बेस्ड ऑन Android 11 ऑपरेटिंग सिस्टम, Cortex A55 CPU, Mali G68 MC4 GPU, LPDDR4X MFS 2.2 का स्टोरेज, 5160 mAh की बैटरी, 67 वाट फास्ट चार्जिंग और 108 मेगापिक्सल ट्रिपल रियर कैमरा, 16 मेगापिक्सल सेल्फी। इसके रियर कैमरे साफ 4K वीडियो 30fps पे और फ्रंट कैमरे साफ 1080p पे 30fps की वीडियो शूट कर पाएंगे। और सिक्योरिटी क्लिच में साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर प्लस फेस अनलॉक सिक्योरिटी सिस्टम मिल जाते हैं। इसमें भी आपको टाइप सी 3.5mm ऑडियो जैक, डुअल स्टीरियो स्पीकर और हाइब्रिड सिम स्लॉट जैसे फीचर भी देखने को मिल जाते हैं। प्राइस की बात करें तो आपको 6GB 128GB स्टोरेज वाला जो वेरिएंट है आपको 22,399 में देखने को मिल जाता है। तो बात करते हैं दोस्तों इस स्मार्टफोन के प्रोज एंड कॉन्स की। इसमें भी आपको जो डिस्प्ले देखने को मिलती बहुत ही बढ़िया देखने को मिल जाती है, जो प्रोसेसर देखने को मिलता है वो भी आपको बहुत ही बढ़िया देखने को मिल जाता है, गेमिंग प्रोसेसर देखने को मिल जाता है। और उसी साथ में दोस्तों इसमें आपको जो कैमरा देखने को मिलता है 108 मेगापिक्सल का रियर कैमरा देखने को मिलता है जिससे आप 4K तक की वीडियो शूट कर सकते हैं। यहाँ पे कैमरा भी आपको बहुत ही बढ़िया देखने को मिलता है, डुअल स्टीरियो स्पीकर देखने को मिल जाता है, सिम स्लॉट में आपको हाइब्रिड सिम स्लॉट देखने को मिलता है। लेकिन दोस्तों इसमें जो फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिलता है आपको साइड माउंटेड देखने को मिल जाता है, इन डिस्प्ले देखने को नहीं मिलता है। दोस्तों अगर इन डिस्प्ले रहता तो ज्यादा बेहतर रहता। ओवरऑल दोस्तों इस प्राइस रेंज पे भी आपको बहुत ही बढ़िया फोन देखने को मिल जाता है Xiaomi की तरफ से। तो अब बात करते हैं दोस्तों आज के इसमें जो दूसरे नंबर पर फोन आता है आपको OnePlus की तरफ से देखने को मिलता है, ये भी आपको बहुत ही बढ़िया फोन देखने को मिल जाता है दोस्तों। जी हां दोस्तों इसमें जो डिस्प्ले देखने को मिलती है आपको HDR 10 Plus सर्टिफाइड डिस्प्ले देखने को मिल जाती है, जो प्रोसेसर देखने को मिलता है वो भी आपको बहुत ही बढ़िया देखने को मिलता है, जो कैमरा देखने को मिलता है वो भी आपको बहुत ही बढ़िया देखने को मिलता है। और ये OnePlus Nord CE2 5G। अब इसके स्पेसिफिकेशन की बात करें तो इसमें आपको 6.43 इंच की फुल HD प्लस 90Hz रिफ्रेश रेट वाली AMOLED HDR 10 Plus सर्टिफाइड डिस्प्ले देखने को मिल जाती है जिसमें आपको Corning Gorilla Glass 5 का प्रोटेक्शन, MediaTek Dimensity 900 5G प्रोसेसर, Cortex A55 CPU, Mali G68 MC4 GPU, LPDDR4X MFS 2.2 का स्टोरेज, 4500 mAh की बैटरी, 65 वाट फास्ट चार्जिंग और इसमें 64 मेगापिक्सल ट्रिपल रियर कैमरा और 16 मेगापिक्सल सेल्फी भी देखने को मिल जाता है। इसके रियर कैमरे साफ 4K वीडियो 30fps पे और फ्रंट कैमरे साफ 1080p पे 30fps की वीडियो शूट कर पाएंगे। और इसके रियर और फ्रंट कैमरे में आपको EIS भी देखने को मिल जाता है। सिक्योरिटी के लिए इसमें इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर प्लस फेस अनलॉक जैसे सिक्योरिटी सिस्टम मिल जाते हैं। उसी साथ में इसमें टाइप सी 3.5mm ऑडियो जैक और डेडिकेटेड सिम स्लॉट भी देखने को मिल जाता है। प्राइस की बात करें तो आपको 6GB 128GB स्टोरेज वाला जो वेरिएंट है आपको 23,999 में देखने को मिल जाता है। तो बात करते हैं दोस्तों इस स्मार्टफोन के प्रोज एंड कॉन्स की। इसमें आपको जो डिस्प्ले देखने को मिलती है, जो प्रोसेसर देखने को मिलता है, जो कैमरा देखने को मिलता है, जो बैटरी देखने को मिलती है, सब कुछ आपको एकदम टॉप नॉच देखने को मिलता है दोस्तों। इसमें आपको सिर्फ एक ही मेजर फोन देखने को मिलता है दोस्तों कि इसमें आपको डुअल स्टीरियो स्पीकर देखने को नहीं मिलता है। इस प्राइस रेंज पे दोस्तों जितने भी फोन आपको देखने को मिलते हैं उसमें आपको डुअल स्टीरियो स्पीकर देखने को मिल जाता है लेकिन इसमें आपको देखने को नहीं मिलता है, उतना बड़ा मेजर फोन नहीं है दोस्तों। लेकिन जो बाकी के फीचर देखने को मिलते हैं बहुत ही बढ़िया देखने को मिल जाते हैं। इस प्राइस रेंज पे दोस्तों भी आपको बहुत ही बढ़िया फोन देखने को मिल जाता है OnePlus की तरफ से। तो फाइनली दोस्तों आज के लिस्ट में जो नंबर एक पे फोन आता है आपको Realme की तरफ से देखने को मिल जाता है। और इसमें आपको जो कैमरा देखने को मिलता है दोस्तों वो बहुत ही बढ़िया देखने को मिलता है जिसमें आपको YES भी देखने को मिल जाता है, जो डिस्प्ले देखने को मिलती है, जो प्रोसेसर देखने को मिलता है, सब कुछ आपको बहुत ही बढ़िया देखने को मिलता है। और ये Realme 9 Pro Plus 5। अब इसके स्पेसिफिकेशन की बात करें तो इसमें 6.4 इंच की फुल HD प्लस 90Hz रिफ्रेश रेट वाली सुपर AMOLED डिस्प्ले देखने को मिल जाती है जिसमें आपको Corning Gorilla Glass 5 का प्रोटेक्शन, MediaTek Dimensity 925G प्रोसेसर, Realme UI 3.0 बेस्ड ऑन Android 12 ऑपरेटिंग सिस्टम, Cortex A55 CPU, G68 MC4 GPU, LPDDR4X MFS 2.2 का स्टोरेज, 4500 mAh की बैटरी, 60 वाट फास्ट चार्जिंग और 50 मेगापिक्सल ट्रिपल रियर कैमरा, 16 मेगापिक्सल सेल्फी। और इसके रियर कैमरे साफ 4K वीडियो 30fps पे और फ्रंट कैमरे साफ 1080p पे 30fps की वीडियो शूट कर पाएंगे। और इसके रियर कैमरे में आपको YES देखने को मिल जाता है, फ्रंट कैमरे में आपको EIS देखने को मिल जाता है। इसमें आपको सिक्योरिटी के लिए इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर प्लस फेस अनलॉक जैसे सिक्योरिटी सिस्टम मिल जाते हैं। और उसी साथ में इसमें आपको टाइप सी 3.5mm ऑडियो जैक, डुअल स्टीरियो स्पीकर, हार्ट रेट मॉनिटर जैसे आपको फीचर भी देखने को मिल जाते हैं। प्राइस की बात करें तो आपको 6GB 128GB स्टोरेज वाला जो वेरिएंट है आपको 24,999 में देखने को मिल जाता है। तो बात करते हैं दोस्तों इस स्मार्टफोन के प्रोज एंड कॉन्स की। इसमें आपको जो डिस्प्ले देखने को मिलती है बहुत ही बढ़िया देखने को मिलती है, जो प्रोसेसर देखने को मिलता है आपको बहुत ही बढ़िया देखने को मिल जाता है जिसमें आप अच्छी खासी गेमिंग कर सकते हैं। और उसी साथ में दोस्तों इसमें जो कैमरा देखने को मिलता है बहुत ही बढ़िया देखने को मिलता है, इसके रियर कैमरा में आपको YES देखने को मिल जाता है दोस्तों। और इसके रियर कैमरे से आप 4K तक की वीडियो भी शूट कर सकते हैं, तो बहुत ही बढ़िया कैमरा भी देखने को मिल जाता है। और जो बैटरी देखने को मिलती है दोस्तों वो भी आपको बहुत ही बढ़िया देखने को मिल जाती है जिसके साथ में आपको 60 वाट का फास्ट चार्जिंग देखने को मिल जाता है, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिल जाता है। और सबसे बड़ी बात दोस्तों इसमें हार्ट रेट मॉनिटर जैसे फीचर भी देखने को मिल जाते हैं। इस प्राइस रेंज पे दोस्तों भी आपको बहुत ही बढ़िया स्मार्टफोन देखने को मिल जाता है। तो दोस्तों ये थे आज के टॉप 5 बेस्ट 5G फोन अंडर 25,000 रुपीज। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतने ही। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट में जरूर बताना और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल पर नया हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू दोस्तों वीडियो क्लास तक देखने के लिए।